जोसे आल्डो पीटर यान, यूएफसी 251 फाइट आइलैंड को मेन इवेंट, और ये भी बैंटम वेट के लिए जो वेकेंट है। अभी हेनरी साउडो रिटायर्ड हो गया, तो उसके बाद से फिर इन दोनों के बीच में मैच है, और क्योंकि वेकेंट टाइटल के लिए वाला मैच है, और जो जीता उसके बाद से आपको मैच होगा उसका एल्जेमिन स्टर्लिंग से। इस मैच के बारे में बात करते हैं, तो पीटर यांग के बारे में आपको क्या पता है? पीटर यांग का जो इसके पहले वाला जो मैच था आपको यूराया फेवर के साथ, पता ही नहीं चल रहा था भाई कि यूराया फेवर, पहला बात की हमको ऐसा लगा था कि उसके साथ मैच नहीं होना चाहिए। पीटर यांग जिमी रिवेरा के साथ जो मैच था उसी में पता चल गया था कि पीटर यांग कितना ज्यादा टैलेंटेड है, कितना ज्यादा यंग है, और कितना ज्यादा उसके फाइट में मतलब कंफ्यूजन है, कितना ज्यादा वो अभी कंफ्यूजिंग है हम आपको मतलब बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसकी फाइट अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है उससे फाइट करना, क्योंकि उसके बारे में अभी हम लोग के एमएमए कम्युनिटी को उतना ज्यादा पता नहीं है कि वो क्या करेगा, उसका अगला मूव क्या होगा। जिमी रवेरा वाले फाइट में भी होगा, अब आप देखिएगा, वो मैंने 4-5 बार देखा था कि दो अपना दो पंचेज के बाद, और उसके बाद से फिर वो दो पंच मारता था, एक राइट और एक लेफ्ट, और उसके बाद से फिर जिमी रवेरा को टाइम देता था, और कभी कभी इंटेंशनली टाइम देता था कि जिमी रवेरा वहां से हट जाए, और 3-4 बार करने के बाद से उसके बाद से फिनिश हुई 1-2, मतलब पहला दो पंच किया जो पहले से कर रहा था, और उसके बाद से स्विच स्टैंड किया, और उसके बाद से नॉकआउट जिमी रवेरा ग्राउंड एंड पाउंड के बाद खत्म। तो ये हम लोग को पता नहीं है कि पीटर यांग आखिर करेगा क्या, और कुछ वो बोलता भी नहीं है, तो इस वजह से आपको उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में भी कुछ पता नहीं है कि वो अभी क्या सोच रहा है। और जोसे आल्डो भी भले इंग्लिश नहीं बोलता है, लेकिन तब भी बहुत दिन से गेम में है वो, और अगर उसके साथ किसी भी फाइटर का फाइट होगा तो बहुत ज्यादा फुटेज है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और पीटर यांग का जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है फाइट में ज्यादातर। आप इस मेरी सेंटेंस को सोच के आप कंफ्यूज होइएगा, लेकिन ज्यादातर मैंने उसकी फाइट अभी जो 2-3 फाइट देखी है यूएफसी में, वो उसका हाई गार्ड रहता है और एकदम फॉरवर्ड वो मूव करता है, और उसके बाद से कभी कभी वो जानबूझ करके लेग किक्स को चेक नहीं करता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आगे वाला फाइटर, उसका ओपोनेंट क्या कर रहा है। उसके बाद से इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव फाइटर है, और उसको ये पता है। रिएक्टिव फाइटर्स कौन होते हैं? रिएक्टिव स्ट्राइकर्स वो होते हैं जो अलासानिया भी मतलब, और आपको रिएक्टिव में जॉन कॉर्नर मैकग्रेगर का भी नाम आ जाता है, एंडरसन सिल्वा का भी दिमाग में नाम आ जाता है, कि वो लोग अपने स्ट्राइकिंग से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो कि सामने वाला क्या करेगा, और उसके बाद से स्प्लिट सेकंड में मेरा दिमाग इतना तेज काम कर जाएगा और आई विल नॉक हिम डाउन, और आई विल मतलब ऐसा पंच करेंगे कि वो ग्राउंड पे चला जाएगा, उसके बाद से ग्राउंड एंड पाउंड, उसके बाद से खत्म। तो ये जिमी रवेरा वाली फाइट में और यूराया फेवर वाली फाइट में मैंने पीटर यांग को देखा कि वो फॉरवर्ड मूव करता है, और उसके बाद से अपने ओपोनेंट को देखता है कि क्या करेगा वो, और उसके बाद से फिर ही विल स्विच और ही विल डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ओपोनेंट सोच नहीं रहा था। वो ओपोनेंट को पता नहीं है कि उससे क्या रिएक्ट करें, उसके मूव को अभी पता नहीं है किसी को, ये पीटर यांग के बारे में। और जोसे आल्डो के बारे में हम लोग जानते हैं कितना बड़ा चैंपियन है वो, भले उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तब भी वो अभी 32-33 साल का है। अभी यूएफसी फाइट गेम में उसको कहिएगा कि वो ओल्ड है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो लेजेंड है, उसको फेदरवेट का गोट माना जाता है। तो अभी ये वाली फाइट बैंटम वेट के लिए है, तो आप दो अगर ये वाली जीत जाता है, और फेदरवेट में कितना लंबे समय तक चैंपियन रह चुका है, तो गोट के आपको डिस्कशन में जोसे आल्डो भी आ जाएगा ये वाली फाइट अगर जीत जाएगा तो। और हम लोग जानते हैं कि उसकी फाइट किस तरीके से है, वो कैसे खेलता है, और ये बात पीटर यांग को भी पता होगी, क्योंकि वो सब एनालाइज करके इस फाइट के लिए आएगा। तो जोसे आल्डो को इस फाइट में अपने किक्स का इस्तेमाल करना होगा, और हमको ऐसा लगता है कि पीटर यांग ने अपने यूएफसी या एमएमए गेम में कभी इतना बड़ा चैलेंज लिया नहीं है। यूराया फेवर उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, भले वो लेजेंड माना जाता है और एमएमए में उसको हॉल ऑफ फेम मिल चुका है, लेकिन जोसे आल्डो की अलग बात है, और यूराया फेवर का भी चैंपियन भी नहीं रह चुका है, लेकिन वो डिजर्व करता था एक समय डोमिनिक क्रूज और टीजे डेलेशिया के साथ जब उसकी राइवलरी चल रही थी, तो ही डज डिजर्व इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी चैंपियन बना नहीं। लेकिन जोसे आल्डो की बात अलग है, और जोसे आल्डो अभी काफी यंग है, पीटर यांग ज्यादा यंग है, और अभी उसके पास एक तरीके से वो ये सोच के आ रहा होगा कि आई एम अ गोट किलर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई विल मतलब कि चैंपियन बनने के, मतलब कि उसके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 3 फाइट जीतने के बाद, उसके पास बैंटमवेट चैंपियन, और वो डिजर्व भी करता है टैलेंट के मामले से।
और एक बात कहनी थी आपको कि वो मास्टर ऑफ बॉक्सिंग है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा अपने बॉक्सिंग में उसको कॉन्फिडेंट है कि वो हाई गार्ड करके फॉरवर्ड मूव करता है और उसके बाद से देखता है कि अपने ओपोनेंट क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जोसे आल्डो कैसे ये फाइट जीत सकता है। पीटर यांग तो मतलब कि हमको लगता है 90% जीतने का चांसेस है उसका, लेकिन जोसे आल्डो को ये देखना होगा कि पीटर यांग 5 राउंड फाइट होगी ये, तो जोसे आल्डो के पास काफी बड़ा एक्सपीरियंस है 5 राउंड फाइट्स का, पीटर यांग के पास नहीं है, और उसको देखना होगा और ये फाइट को 4th-5th राउंड में ले जाना होगा। तब देखना होगा कि पीटर यांग स्लो कर रहा है या उसका कार्डियो कहीं पर ग्लिच कर रहा है कि नहीं। जब ग्लिच कर रहा है तब उसको फुट पेडल पर अपना फुट रखना होगा और उसके बाद से अपना मतलब किक्स जो 1st-2nd-3rd राउंड में जो उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मारना होगा, तब वो पीटर यांग 4th और 5th राउंड में स्लो होगा। तो उसको इसी तरीके से पीटर यांग को स्लो करके 1st-2nd-3rd राउंड में 4th-5th राउंड में पीटर यांग को अगर खत्म कर सकता है तो खत्म करेगा जोसे आल्डो, नहीं तो हमको ऐसा लगता है कि इट विल बी लाइक अ फिस्ट फाइट और दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग।